సెవెన్ బైజీ బృందావన్ కాలనీ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అనితనే గుర్తొస్తుంటే. సో అలాంటి అనిత సోనియా అగర్వాల్ నాతో పాటు ఉన్నారు, ఆవిడతో మాట్లాడదాం. సో మేడం బులియే 19 ఇయర్స్ కే బాద్ బి సోనియా అగర్వాల్ బులేతో అనిత ఈ ఆదాతీ హై తో ఉస్కా ఉస్కే బారే మే బులియే. आई थिंक वो ये करेक्टर ऐसा था, बहुत कनेक्ट किया लोगों ने इसके साथ, एंड यही रीज़न है जो कि सोनिया अग्रवाल से ज़्यादा मुझे लोग अनीता के नाम से जानते हैं. एंड मुझे अच्छा लगता है व्हेन पीपल कॉल मी अनीता एंड नॉट सोनिया. कई बारी कहीं पे भी जाओ तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सबको लगता है अनीता, तो फिर बाद में वो थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं कि सोनिया है. तो आई थिंक वो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. मैं फील करती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि मैं उस करेक्टर में अच्छा कर पाई कि ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट कर सके. वो टाइम में जितने भी यूथ थे सब लोग आपके कैरेक्टर को इंस्पायरिंगली लेके उनके सारे जितने भी बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनके सारे जो भी हस्बैंड्स होते हैं, उनके साथ भी ऐसा बिहेव किया है, ऐसा अपन स्टोरीज देखे हैं बाहर, तो इसके बारे में क्या कहना? आई थिंक ये कैरेक्टर ही ऐसा था कि इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये करेक्टर, क्योंकि इट्स वेरी इंकरेजिंग. अपने पार्टनर की तरफ आपको कितना इंकरेजिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छे से दिखाया गया इसमें. एंड मेरा वही फेवरेट पार्ट था कि मैं इसीलिए मैं चाहती थी कि अनीता का रोल मैं करूं, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप जब इंकरेज करते हो, यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर पार्टनर, किसी को भी, चाहे वो आपका भाई है या कोई भी है, कोई आपका फ्रेंड है, हर किसी को इंकरेज करते रहना चाहिए. आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म यू गॉट वेरी बिजी इन तमिल बट नॉट एज बिजी एज तेलुगु में नहीं हो पाए, रीज़न क्या देखते हो? रीज़न मैं तो नहीं बता पाऊँगी, आई थिंक आपको यहाँ भी प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा. बट आई डिड गेट कपल ऑफ ऑफर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया था कि मेरी डेट्स तमिल में ब्लॉक हो चुकी थी और मैं यहाँ पे डेट्स नहीं दे सकी. सो हो सकता है वो भी एक कारण कि बिल्कुल रिलीज़ के बाद जो इनिशियल टाइम होता है वो मेरा ज़्यादा तमिल मूवी में चला गया और फिर उसके बाद गैप पड़ गया. अभी सोनिया अग्रवाल क्या कर रहे हैं, मतलब कौन से मूवीज़ में हो या कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हो? मैं अभी मेरा तमिल और मलयालम मूवीज़ का चल रहा है. तमिल में वेब सीरीज़ भी चल रही हैं और अभी एक मेरी मलयालम मूवी आने वाली है कॉल्ड बिहाइंड, इट्स अ थ्रिलर. तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब लैंग्वेजेस मैं कर चुकी हूँ और इन्हीं में काम कर रही हूँ अभी. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड 22 को फिर ये सेवन बाई जी बृंदावन कॉलोनी फिर से रिलीज़ हो रहा है, तो ये मूवी में आप जब एक्टिंग कर रहे थे तो आप तो फ्रेशर थे बिल्कुल एकदम, तो कुछ मोमेंट्स आप याद करना चाह रहे हो तो कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स? आई थिंक एज एन एक्टर हमेशा जो हमारे इनिशियल डेज होते हैं और स्पेशली जो मूवीज़ से हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमारा बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन था, वही है सेवन जी मेरे लिए. और एक मोमेंट नहीं, मेरे लिए पूरी मूवी शूट करते हुए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, और उसके बाद ही आज जो मैं हूँ वो हूँ. सो द होल मूवी इट्सेल्फ इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. All the very best, Andy. Thank you.